हेलो सन सिटी, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं सन सिटी बॉय। गाइस, जोधपुर में लग चुका है फिर से लॉकडाउन सैटरडे संडे, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा प्लेग्राउंड, हम जहाँ क्रिकेट खेलते थे। अभी मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। जैसा कि आज गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है और 3-4 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग बनाने की, लेकिन अभी तक क्या बारिश हो रही थी और शॉप से आने में टाइम लग जाता। दोपहर में 2 घंटे फ्री होते हैं। हमारा जो ग्राउंड है वो यहाँ से पहाड़ों के बीच में से होता है, और जैसा कि जोधपुर में एक फेमस ग्राउंड है बरकतुल्ला स्टेडियम, उसी तर्ज पे हमने इसका नाम भाकरतुल्ला रखा था। और हम जब छोटे थे उस वक्त से यहाँ क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा पहाड़ों के बीच में क्रिकेट का मैदान, जैसा कि आप सब को अभी मैं बताऊंगा। और धूप बड़ी अच्छी हो रही है, तो लेट्स बिगिन, चलते हैं हम। हेलो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो हमारा स्टेडियम भाकरतुल्ला स्टेडियम? आई होप अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो भाई को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अपनी ऐसी कोई यादें हो जो आप बताना चाहते हो कि आप कहाँ खेलने जाते थे, आपका ग्रुप कितना बड़ा था, बताना भाई को कमेंट सेक्शन में। वैसे आजकल के बच्चे उस मैदान की सफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ उग चुके हैं वहाँ पे, बाउंड्री भी ख़त्म कर दी है और पिच ऐसा है सारी जगह से तोड़ दिया पिच। बहुत बुरा लगता है यार कि अपने जहाँ पे बचपन बीता है वहाँ की हालत ऐसी हो। और बता दूँ आपको, मुझे वहाँ गए हुए करीब करीब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल बाद में बल्ला हाथ में लिया था, मैंने बैट हाथ में लिया था, लेकिन एक वो कहता है ना, पूरी फिल्म से सामने घूमने लग गई एकदम से। यार छोटे थे कैसे आते थे, पानी की बोतलें साथ में लेके आते थे, पीने का पानी नहीं होता था, पूरे दिन भागरों में पड़े रहते थे। अच्छा लगता आज याद करके। खैर, ये सब तो पुरानी बातें, वापस बचपन जीने के लिए एक तरीका था ये। अच्छा लगता है कभी कभी पुरानी जगह पे जाके अपनी यादें ताज़ा करना। आई होप यू लाइक वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।